चलो आगे अब हम बात करते हैं सबसे पहले कंसेंट की। अभी तक मैंने आपको बोला था जो भी आप कंसेंट दे रहे हो वो कैसी होनी चाहिए, हमेशा फ्री होनी चाहिए। आपकी कंसेंट इम्प्लाइड भी हो सकती है और एक्सप्रेस वे में भी हो सकती है। या तो आप अपने एक्शन से शो करें, ठीक है, या तो आप अपने एक्शन से शो करें कि यस यू आर इंटरेस्टेड, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है उस काम में, ठीक है, या आप डायरेक्टली एक्सप्रेसली बोलें, ठीक है, या हम डायरेक्टली और एक्सप्रेसली बोलते हैं या हम अपने एक्शंस के थ्रू शो करते हैं। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वो कंसेंट कैसी नहीं होनी चाहिए, बाय फ्रॉड नहीं होनी चाहिए। मैंने कंसेंट इम्प्लाइडली एक्सप्रेसली दी है, वो मैटर तब करेगा जब ये कंक्लूड होगा कि जो कंसेंट है वो बाय फ्रॉड नहीं आई है, ठीक है। इस पैराग्राफ को एक बार पढ़ेंगे, क्या बोलता है पैराग्राफ। कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड इज क्या है, कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड इज नॉट रियल कंसेंट, ठीक है, कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड इज नॉट रियल कंसेंट एंड डज नॉट सर्व एज अ गुड डिफेंस, डज नॉट सर्व एज अ गुड डिफेंस। डिफेंस किसके लिए होता है हमेशा, अगेन आई एम मैंशनिंग, डिफेंडेंट के लिए होता है। डिफेंडेंट के लिए गुड डिफेंस नहीं है, ठीक है। द एक्शन फेल्ड ऑन द ग्राउंड्स दैट मियर डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्स टर्पी कॉजा नॉन ऑडिटर ऑक्सियो। इस लैटिन टर्म को देखो, मैक्सिम को क्या बोलती है, द एक्शन फेल हो जाता है किस ग्राउंड पे, मियर डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। अगर आप फैक्ट्स को आधा या अधूरा बताते हो, इस तरीके से बताते हो, ठीक है, मियर डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, आपने अगर किसी को जो फैक्ट्स बताए हैं वो हो सकता है वो कैसे हैं उनका थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दिया है, मेयर डिस्क्लोजर डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, तो हमें इस पूरे में से क्या याद करना है, पहले हम ये देख लेते हैं। पहले हमें याद करना है कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड हमेशा जीरो कंसेंट रहेगी, नॉट अ रियल कंसेंट। क्वेश्चन में क्या आएगा, ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्या कंसेंट जो है फ्रॉड से ली गई है, क्या वो डिफेंस है, नो Does not serve as a good defense. Second question, third question, the action failed on the ground that mere disclosure of fact does not amount to fraud. ठीक है, अगर आप ये कहते हैं कि मैंने facts तो बताए थे, mere disclosure of fact does not amount to fraud based on the principle. अगर आप ये कहते हैं कि आपने किसी को incomplete information दी and then you are claiming कि मैंने तो उन्हें इन चीज़ें समझाई थी लेकिन वो अपने wish से आए हैं, then make sure वो information कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। मेयर डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, इसके बहुत सारे टर्म्स में मीनिंग निकलते हैं। पहला, आप किसी को अगर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो पूरी इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है, अगर आप किसी को एक कॉन्ट्रैक्ट वे में इंफॉर्मेशन दे रहे तो इंफॉर्मेशन हमेशा पूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं ये जो मैक्सिम है हमारे पास, एक्स सुरपी कॉजा नॉन ऑडिटर ऑक्सियो, नो एक्शन अराइजेस फ्रॉम एन इमोरल कॉज, राइट। इमोरल कॉज का मैंने एग्जांपल दिया था, क्या एग्जांपल दिया है, मैंने अपने फ्रेंड के साथ क्या किया था, ड्रग्स का बिजनेस किया था ड्रग्स का बिजनेस, उसके बाद उसने क्या किया, मुझे इनकम्प्लीट फैक्ट्स बताए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया, मैक्सिमम लेवल पे जो प्रॉफिट लेवल था वो लिया और वो वहाँ से आउट ऑफ कंट्री चले गए। अब ये जो लॉस था ये क्या था, मॉनेटरी लॉस था, ठीक है, लेकिन क्या आप इस चीज़ को लेके कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। रीज़न बीइंग द एक्ट इज बेसिकली कैसा एक्ट है, वो इमोरल एक्ट है, ठीक है, ये बात क्लियर है। आगे चलते हैं, इसको और डिस्कस करेंगे फिर। चलो
चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं कंसेंट ऑब्टेन्ड अंडर कंपल्शन। बच्चे जब भी आप किसी को कंसेंट दे रहे हैं, हमने बोला कंसेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंसेंट कैसी होनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए, ठीक है। कंसेंट कैसी होनी चाहिए? नॉलेज के साथ होनी चाहिए। कंसेंट कैसी होनी चाहिए? जिसमें फ्रॉड ना हो। कंसेंट कैसी होनी चाहिए? जिसमें कंपल्शन ना हो, ठीक है। कंसेंट अंडर कंपल्शन, कंपल्शन स्पेसिफिकली कब आती है? जब एक ऐसे सिचुएशन में आप होते हो जहाँ पे आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है, एट दैट टाइम वी कंसिडर कि ये जो कंसेंट है ये कंपल्शन में दी गई है, ये कंसेंट फ्रीली नहीं दी गई, ठीक है। देर इज नो कंसेंट व्हेन समवन कंसेंट्स टू एक्ट विदाउट फ्री विल और अंडर सम कंपल्शन। अगर आप विदाउट फ्री विल कुछ कंसेंट दे रहे हैं या अंडर कंपल्शन दे रहे हैं, तो वो कंसेंट कभी भी वैलिड कंसेंट कंसिडर नहीं करी जाएंगे। इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल इन द केसेज वेयर पर्सन गिविंग कंसेंट डज नॉट हैव फ्रीडम टू डिसाइड, फुल फ्रीडम। ये जो मैं मार्क कर रही हूँ, ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे गए हैं। इलस्ट्रेशन बेसिस पे, पैराग्राफ बेसिस के क्वेश्चंस देखिए, वहाँ पूछे गए हैं, ठीक है। द सिचुएशन जनरली अराइजेज इन मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। जिन जिन वर्ड्स को मार्क किया जा रहा है, प्लीज़ उन्हें नोट डाउन कर लो, ये हमारे एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। वेयर द सर्वेंट इज कंपेल्ड टू डू एवरीथिंग दैट हिज मास्टर आस्क हिम टू डू, बट इफ ही हिमसेल्फ डज समथिंग, ही हिमसेल्फ डज समथिंग विदाउट एनी कंपल्शन, देन ही कैन बी मेट विद द डिस्टेंस ऑफ कंसेंट। देखो, मैंने जो काम किया अपनी फुल नॉलेज और कंसेंट के साथ किया, लेकिन बाद में मैंने अपना सारा बर्डन किस पर लगा दिया? अपने मास्टर पर लगा दिया, तो ये एक वैलिड कंसेंट नहीं है, ठीक है। इन वर्ड्स को एक बार देख लो कि किस तरीके से इनमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर हम उसकी बात करते हैं। जस्ट रीड दीज वर्ड, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इन वर्ड्स पे पूछे हुए क्वेश्चंस की। कंसेंट ऑब्टेन्ड अंडर कंपल्शन को किस और नाम से बोला जा सकता है? दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। कंपल्शन को हम अनड्यू इन्फ्लुएंस भी कहते हैं, जिसका मीनिंग होता है जहाँ पे आपके पास एक्चुअल अथॉरिटी नहीं रह जाती, जहाँ पे आप किसी के कंट्रोल में आके कोई काम करते हैं, ठीक है। और वो कंट्रोल कैसा हो सकता है? आपका पेरेंटल हो सकता है, आपकी हायर अथॉरिटी के कंट्रोल को डॉक्टर पेशेंट का रिलेशन हो सकता है, जिसके इन्फ्लुएंस में आके, जिसके अथॉरिटी के एक पोजीशन के इन्फ्लुएंस में आके आप अपनी कंसेंट फ्रीली नहीं दे पा रहे। अगर एक सर्वेंट अपने मास्टर को अपनी विश के अकॉर्डिंग काम करने के लिए बताएगा, तो हो सकता है मास्टर उस चीज़ को नो कह दे, ठीक है। मास्टर उस चीज़ को नो कह दे तो यहाँ पे क्या है, और दूसरी सिचुएशन क्या बनेगी? मास्टर हो सकता है अपने सर्वेंट को फोर्स करे कि तुम्हें ये काम करना है, अदरवाइज आई विल नॉट आइदर पे यू इनकम, अदरवाइज आई विल थ्रो यू आउट ऑफ योर जॉब, ठीक है। या ये रिलेशन हो सकते हैं मास्टर डॉक्टर एंड पेशेंट में, ठीक है। एक डॉक्टर है जिसे पूरी नॉलेज है, वो अपने पेशेंट को कुछ भी जो गाइड करते हैं, वी ऑलवेज बिलीव ऑन दैट गाइडेंस, जो भी हमें प्रिस्क्रिप्शन दी जाती है। अब ये हो सकता है कि जो डॉक्टर्स है वो अपनी इस हायर अथॉरिटी का यूज़ करके हमें अनड्यू इन्फ्लुएंस करें, उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाए, ठीक है। नेक्स्ट हो सकता है आपके कोई हायर अथॉरिटी, आपके रिलेशंस में भी कोई ऐसा रिलेशन हो जो आपसे पोजीशन में बड़ा हो, ठीक है, तो वो भी आपके साथ फ़ायदा उठा सकते हैं। इसको हम बोलते हैं कंपल्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, देर इज नो कंसेंट व्हेन समवन कंसेंट्स टू एन एक्ट विदाउट फ्री विल। सेकेंड क्वेश्चन, क्या विदाउट फ्री विल कंसेंट कंसेंट होती है? बिल्कुल नहीं होती है।
और अंडर कंपल्शन। क्वेश्चन कई बार बेटा ऐसे आते हैं कि दोनों को अलग अलग पूछ लिया जाता है, ऑप्शन ए 1 और 2, ठीक है, आइदर कंपल्शन और फ्री विल, ठीक है। तो हमारे पास दोनों होने चाहिए, या तो कंपल्शन के थ्रू हो या तो फ्री विल, दोनों में से कुछ भी एक मिसिंग होना चाहिए। फ्रीडम की बात अगर हम करें, फुल फ्रीडम हम स्पेशली रिलेशंस में बात करते हैं, मास्टर सर्वेंट हो गया, डॉक्टर पेशेंट हो गया, टीचर स्टूडेंट हो गया एंड मैनी अदर रिलेशन। फुल फ्रीडम वर्ड कहाँ यूज़ किया गया है? अनड्यू इन्फ्लुएंस में यूज़ किया गया है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर भी हमारे से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन स्पेशली आते हैं जब आप पैराग्राफ बेस्ड एग्जाम देते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, मास्टर सर्वेंट रिलेशन किस तरीके के कंसेंट को शो करता है? तो मास्टर सर्वेंट रिलेशन शो करता है कंपल्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस टाइप की कंसेंट को। ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन, ठीक है, 5 lines 5 questions, ठीक है। ही हिमसेल्फ 6th क्वेश्चन, अगर आप कंसेंट अपनी फ्री विल से दे रहे हो, ठीक है, अपनी मर्जी से दे रहे हो, मास्टर ने फोर्स नहीं किया है, अगर आपकी फ्री विल है, बट इफ़ ही हिमसेल्फ डज समथिंग विदाउट एनी कंसेंट, लेकिन अगर इसी जगह अगर जो है सर्वेंट अपनी विश से कुछ काम करता है अपने मास्टर के लिए, तब क्या वो वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया में आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। उसके लिए क्या होगा, हमें वर्ड दिखाई देगा हमारे एग्जाम में ही हिमसेल्फ, ग्रुप में सर्वेंट होंगे तो बाय देमसेल्फ, ठीक है, ग्रुप में होंगे तो बाय देमसेल्फ दिखाई देगा। अगर उन्होंने अपनी विश से किया है विदाउट एनी कंपल्शन तो क्या होगा, उसको आप कंसेंट नहीं कह सकते। इन क्वेश्चंस को वर्ड को मार्क कर लो, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, चलो आगे चले। आई होप यहाँ तक क्लियर है। चलो लेट्स कम टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड किसकी बात करते हैं? मेयर नॉलेज। मेयर नॉलेज डज नॉट एम्प्लाई असेंट। असेंट इज फर्स्ट ऑफ ऑल ऑल्सो नोन एज कंसेंट। पहली चीज है, कंसेंट को हम असेंट भी बोल सकते हैं। आपको किसी चीज की थोड़ी बहुत नॉलेज है और आपको उस चीज का, हमने पहले पढ़ा था इमोरल कॉज के लिए, या हमने पढ़ा था कि मेयर एक्सप्लेनेशन ऑफ फैक्ट, ठीक है, अगर आप सिर्फ फैक्ट्स को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करें, दैट विल नॉट कंसिडर एज अ कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द फैक्ट। फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस मैक्सिम द फॉलोइंग एसेंशियल नीड्स टू बी प्रेजेंट। अगर ये डिफेंस डिफेंडेंट यूज कर रहा है कि प्लेंटिफ को पूरी नॉलेज थी, तो डिफेंडेंट को क्या चीज़ें प्रूव करनी पड़ेंगी? प्लेंटिफ न्यू अबाउट द प्रेजेंस ऑफ रिस्क। सेकेंड, ही हैड नॉलेज अबाउट द सेम एंड नोइंगली एग्री टू सफर हार्म। क्या क्वेश्चन बना? क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। एग्रीड टू सफर हार्म, दूसरा क्वेश्चन न्यू अबाउट द प्रेजेंस ऑफ रिस्क, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन फॉर एग्जाम। ये डायरेक्टली पूछे गए इलस्ट्रेशन बेस पे। इसका एक केस है, उस केस में क्या होता है, फॉर एन एग्जाम्पल बात करते हैं, एक साइट पे, कंस्ट्रक्शन साइट पे जो लेबर वर्क काम कर रही होती है, ठीक है, एज अ लेबर जब आप काम कर रहे हो, आपको इतनी नॉलेज तो डेफिनेटली होगी कि वहाँ पे कुछ ना कुछ अगर छोटी मोटी चोट लग सकती है, पत्थर से लग सकती है, आप गिर सकते हैं, जो उनके इक्विपमेंट्स हैं उनसे चोट लग सकती है, या आप किसी कोल माइन में काम कर रहे हैं, या आप किसी ऐसे हैवी लेवल पे स्टोन ब्रेकिंग एरिया पे काम करें जहाँ पे पत्थर तोड़ने का काम होता है, ठीक है। ये उस तरीके के एग्जांपल है जहाँ पे हमें ये बोला गया कि अगर आप इस तरीके के एरिया में काम कर रहे हैं और आपको अगर पूरी इन्फॉर्मेशन थी, पूरी नॉलेज थी, फिर भी आपने क्या किया, सपोज़ आप कहाँ गए, आप कोल माइन में गए, या आप ऐसी जगह पे गए जहाँ पे पत्थर तोड़ने का काम होता है, ठीक है, लेकिन आपने फिर भी क्या किया, आपने एग्री किया, ठीक है। अब क्या था, न्यू नॉलेज अवेलेबल है वहाँ पे, नॉलेज होने के बाद भी यू एग्रीड टू सफ़र द हार्म, आप उस एग्री करे हैं उस हार्म को सफ़र करने के लिए, तो ये कंसिडर किया जाएगा कि यहाँ पे आपका मास्टर लायबल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज
आपके सर्वेंट को उस चीज़ की पूरी नॉलेज थी। ठीक है, तो ये है, जब भी हम ऐसे कंस्ट्रक्शन एरिया पे, कोल माइंस में, रोड साइड पे काम करते हैं, तो हमें एक माना जाता है कि हमें पूरी उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है कि इस तरीके के काम से क्या हो सकता है, कुछ भी नुकसान हो सकता है, इंजरी हो सकती है, बट इफ़ स्टिल यू आर एग्रिंग ऑन दैट देन इट विल बी कंसिडर्ड दैट यू आर अवेयर। और इस चीज़ का पूरा डिफेंस किसको मिलेगा, ये हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। और ये आपकी नॉलेज किसके फेवर में जाएगी, इन द फेवर ऑफ डिफेंडेंट। ठीक है, ये आपकी नॉलेज किसके फेवर में जाएगी, डिफेंडेंट के फेवर में जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कौन कौन से क्वेश्चन बने हमारे? ठीक है, इज दैट क्लियर?